गणेश चतुर्थी आने वाली है और हम सभी लोग गणपति के लिए उनका फेवरेट मोदक जरूर बनाते हैं। और ये स्पेशल मोदक मैं आज बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे से। मात्र तीन ही चीजों से आप बहुत ही स्वादिष्ट मोदक कभी भी तैयार कर सकते हैं। और ये लाजवाब मोदक का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है मेरे नए सेनहाइजर के माइक से, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। तो अगर आप भी वीडियो शूट करते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं या आप ब्लॉगर हैं, तो आप सभी के लिए ये माइक बहुत काम में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं के आटे से झटपट मोदक बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाएं कढ़ाई, फ्लेम को यहाँ लो कर दें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप घी। एक कप सेट करें, उसके अनुसार सारी चीजें लें। तो मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप घी, एक चम्मच के करीब घी। थोड़ा बचा लेते हैं, इसको जरूरत अनुसार बाद में ऐड करेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर घी को अच्छे से पिघलने देंगे। मान के चलिए लगभग 4 बड़े चम्मच घी हमने डाल दिया है। ये मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप इस तरीके का एक बोल सेट कर लें, सभी चीजें उसी के अनुसार लें। तो ये मैंने 1 बोल के करीब आटा लिया है। घी पिघल गया है, इस स्टेज पर आप इसमें डालें 1 कप गेहूं का आटा। और गेहूं के आटे को बढ़िया से हम घी के साथ अच्छा सा गोल्डन भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये मोदक इतने स्वादिष्ट और इतने हेल्दी बनते हैं कि आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। अच्छे से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम आटे को भून लेंगे, और हम लगातार ही चलाएंगे वरना आटा जल सकता है। तो इसलिए फ्लेम को हाई बिल्कुल ना करें और सारा काम आप लो मीडियम फ्लेम पर ही करें। अब इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें तब तक इसको भूनना है जब तक इसमें से बढ़िया सी सौंधी खुशबू ना आने लगे। जो भी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी नया नया खाना बनाना सीखा है या स्टीम्ड मोदक, फ्राइड मोदक बनाना कठिन लगता है, तो बहुत ही आसानी से वो इस तरह से स्वादिष्ट मोदक गणपति जी के लिए बना सकते हैं। अब जो हमने 1 चम्मच घी बचाया था ना, उसको भी यहीं डाल देते हैं। जब इस तरीके से ही लगभग गोल्डन होने वाला है, तो इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए पिस्ता, 1 बड़ा चम्मच बिल्कुल बारीक किए हुए बादाम। आप मोटे मोटे भी काट सकते हैं, थोड़ा सा बारीक मैंने इसलिए कर दिया है जिससे बच्चे इजीली खा ले। 1 बड़ी चम्मच बारीक करे हुए काजू। इन सब चीजों को जो छोटा वाला चॉपर होता है ना, उससे मैंने बस ग्रेट सा कर लिया है जैसे ये बारीक हो गए। 1 छोटी चम्मच नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट्स इसलिए डाले जैसे कि ड्राई फ्रूट्स भी आटे के साथ हल्के हल्के भुन जाए। हल्का हल्का सा घी भी इसमें से रिलीज होना शुरू हो गया है। और ये लीजिए, लगातार भूनते हुए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और ये पूरा बन गया है। और ये देखिए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब गैस बंद करनी है? आप अगर पास से देखें इसको, तो इसमें हल्का हल्का सा आपको घी सा दिख रहा होगा। तो बस इसी स्टेज तक हमें भूनना है इसको। मैंने इसको गैस से उतार लिया है, लेकिन मैं अभी लगातार इसे 1 मिनट चलाऊंगी क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। इस मोदक को बनाते वक्त आप बस इसी बात का ख्याल रखें कि ना ये ज्यादा ठंडा हो पाए और ना ही बहुत ज्यादा गर्म हो। अब इस स्टेज पर जब ये हल्का ठंडा हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करते हैं तो डालें, वरना बिना इलायची के भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसी स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी 3/4 कप गुड़ यानी जैगरी। हम कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत बहुत हेल्दी गुड़, क्योंकि इसमें होता है ढेर सारा आयरन और इससे स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है मोदक में। तो 3/4 मान के चलिए 1 कप से थोड़ा कम, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिक्स करते जाएं। लेकिन आपको ये तभी मिक्स करना है जब ना तो हमारा आटा बहुत ज्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज्यादा गर्म। अब आपको मिक्स को देख के लग रहा होगा कि ये परफेक्टली बाइंड भी हो पाएगा। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये बन रहा है, ये देखिए। तो चलिए अब बनाते हैं मोदक। तो यहाँ मैंने लिया है ये मोदक मोल्ड, बहुत ही इजीली ये कि आपको ये मिल जाएगा, सस्ता सही होता है। मैंने ऑनलाइन परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपने इस तरह से मोदक मोल्ड, और यहाँ बैक साइड में हम अपने मिक्स को इसमें फिल करेंगे। और मिक्स तो हमारा है ही टेस्टी। अच्छी तरीके से उंगली से दबाते हुए इसको पूरा भर लेंगे। इस तरह प्रेस करते जाइए जिससे कि शेप बिल्कुल बढ़िया आए। अगर आपको मिक्स लगे कि ड्राई हो रहा है या आपसे बंद नहीं रहे हैं मोदक, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी या फिर थोड़े से दूध की छींटे लगा करके उसे ठीक कर लें। धीरे से हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमारा बहुत ही सुंदर गेहूं के आटे से बना हुआ स्वादिष्ट मोदक।
तो इसी तरह हम सारे मोदक को बनाएंगे। तो चलिए फटाफट मैं बताती हूँ मेरे नए माइक के बारे में। मैंने लिया है सेनहाइजर का मेमोरी माइक, जो कि बहुत ही बढ़िया यूनिक वायरलेस सॉल्यूशन है स्मार्टफोन्स के लिए। अब सभी के पास तो कैमरा होता नहीं है, हम ज़्यादातर जो वीडियो शूट करते हैं मोबाइल यानी स्मार्टफोन से करते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑडियो क्वालिटी की। जब कभी थोड़ा सा भी डिस्टेंस पर जाते हैं तो वो बढ़िया क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। लेकिन इस प्यारे से कॉम्पैक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही प्यारा वायरलेस सेनहाइजर का मेमोरी माइक। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई झंझट नहीं है किसी भी ट्रांसमिशन या कनेक्शन टूटने का। जो भी ऑडियो आप रिकॉर्ड करते हैं वो सारा इसी में रिकॉर्ड होता है और इसी में सेव हो जाता है, यानी कोई ट्रांसमिशन का झंझट ही नहीं। चाहे कितने भी डिस्टेंस पर आप जाइए और इसके ऐप के जरिए आप अपने वीडियो और इसके ऑडियो को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें आप 4 घंटे का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आ गई हूँ नीचे आपको ये टेस्ट कराने के लिए कि ये सेनहाइजर का मेमोरी माइक कितना बढ़िया है क्वालिटी में। तो जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है एक स्मार्टफोन से, और जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारे स्मार्ट सेनहाइजर के मेमोरी माइक से, और बहुत ही इजीली ऐप के थ्रू हम दोनों को सिंक कर लेंगे। तो ये है फायदा इस यूनिक वायरलेस डिवाइस का। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से और भी मोदक बनाएंगे। वैसे तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती ग्रीस करने की मोल्ड को, लेकिन आप इस तरह से हल्का सा घी से मोल्ड को अंदर से ग्रीस भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो आप इसे लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पर बस आप याद रखें टिप्स, अगर आपको ये फील हो कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है आपका मिक्स, थोड़े से दूध की छींटे या फिर थोड़ा सा घी डाल करके इसको बैलेंस कर ले और इस तरह बना ले। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है मिनटों में बनने वाले बहुत बहुत स्वादिष्ट हेल्दी सुपर टेस्टी मक्खन की तरह नरम हमारे गणपति जी के लिए गेहूं के आटे के मोदक। अब आप देख सकते हैं कि इनकी शेप कितनी सुंदर आई है, कितने अच्छे लग रहे हैं, जितने अच्छे हैं खाने में भी बहुत ही बढ़िया है। खास बात इन मोदक की मालूम है क्या है कि आप इस तरह जब बनाएंगे पूरे 1 महीने भी ये खराब नहीं होंगे। तो देखा आपने कि मोदक बनाना कितना आसान है। आप इसको प्लीज जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये स्पेशल झटपट बनने वाले हेल्दी टेस्टी गेहूं के आटे के मोदक की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 वीडियो को जरूर लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।